Hello and welcome. In this lecture, we will discuss the solutions of determinants by using the properties of determinants. तो इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन इवेल्यूएट डेल्टा विच इज the determinant of this 3x3 matrix which is given by the first column है उसमें तीन elements हैं 1 1 1. second column में है a b b c and c a और third column में we are given 1 + a + 1/b और यहाँ पे है 1/b + 1/c और यहाँ पे है 1/c + 1/a. तो ये जो determinant है इसको हमने बिना एक्सपेंड किए हमने इसकी वैल्यू पता करनी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ये डेल्टा जो है इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन कर जब हमने लिखना है इसका 1 1 1 और यहाँ पे आएगा ए बी बी सी सी ए एंड हियर वी हैव 1/a + 1/b 1/b + 1/c एंड 1/c + 1/a. तो ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और इसको हमने एक्सपेंशन के बिना सॉल्व करना है. मतलब कि यहाँ पे हम क्योंकि हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. और मतलब एक तो ये तरीका भी है और दूसरा तरीका क्या है जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कि जैसे सपोज किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स इक्वल हों तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो ज़ीरो होता है. इन प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सेकंड कॉलम में यहाँ पे ए बी है बी सी है और यहाँ पे सी ए है. हम क्या करते हैं ये जो सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट है इसको यहाँ पे क्योंकि ए बी इंटू 1 हम इसको यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 है और 1 को रिप्लेस कर सकते हैं सी बाय सी से. सिमिलरली यहाँ पे हम जो यहाँ पे 1 है बी सी इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं ए बाय ए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ए बी बाय बी. उससे होगा क्या उससे जो न्यूमरेटर है उसमें वी विल गेट द कॉमन एलिमेंट ए बी सी. उसको हम करके देख लेते हैं. उसके बाद जो स्टेप है जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर हम लिखेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव फर्स्ट कॉलम एज इट इज़. यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी बाय सी. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप देख सकते हो अगर हम सी बाय सी लिख दें क्योंकि बैलेंस होगी ये वाली एंट्री क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो ए बी ही रहना है. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी ए बाय ए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ए बी बाय बी और बाकी एंट्री एज इट इज़ 1/a + 1/b और यहाँ पे 1/b + 1/c 1/c + this is 1/c + 1/a. तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है अब आप देख सकते हो कि जो सेकंड कॉलम है उसमें ए बी सी बाय सी यहाँ पे है ए बी सी बाय सी यहाँ पे है ए बी सी बाय ए क्योंकि ये ए बी सी ऊपर आ गया नीचे ए और यहाँ पे सी ए बी मतलब ए बी सी बाय बी. तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है अगर इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करें अच्छे से समझने के लिए क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 यहाँ पे आएगा ए बी सी ऊपर आ जाएगा ए बी सी बाय सी यहाँ पे ए बी सी बाय ए और जो थर्ड एंट्री है कॉलम की उसमें ए बी सी बाय बी और बाकी एज इट इज़ 1/a + 1/b 1/b + 1/c 1/c + 1/a. अब जो सेकंड कॉलम है उसमें जो न्यूमरेटर है उसमें ए बी सी कॉमन है तो उसको हम इस एलिमेंट को जो कॉमन एलिमेंट है ए बी सी न्यूमरेटर सेकंड कॉलम में उसको हम बाहर इसके बिल्कुल बाहर हम लेके आ सकते हैं डिटर्मिनेंट के. तो ए बी सी हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन हो तो हम इसको बिल्कुल बाहर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1 यहाँ पर जो है इट दिस कॉलम विल गेट रिड्यूस टू
क्योंकि यहाँ पे 1/c रह जाएगा, यहाँ पे 1/a और यहाँ पे 1/b। हेयर वी विल गेट 1/a प्लस 1/b, हेयर वी विल गेट 1/b प्लस 1/c और यहाँ पे आ जाएगा 1/c प्लस 1/a। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में कि टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ये स्टेप को, जो आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हो यहाँ पे अलग से। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम सी टू। और जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1/c 1/a 1/b है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड रो में सॉरी सेकेंड कॉलम और सेकेंड जो थर्ड कॉलम है उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ साथ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्लाई जो सी टू है उस पर हम ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सी टू कॉलम है उस पर ऑपरेशन कौन सा, सी टू प्लस सी थ्री, ये जब ऑपरेशन लगाएंगे, सो देयर फोर सो दिस इम्प्लाइज दैट जो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट है इसका, सॉरी डिटर्मिनेंट जो है इसके, इसमें वो कितना हो जाएगा, ए बी सी तो कॉमन है, सी टू पे हमने ऑपरेशन लगाया आप देख सकते हो, तो सी टू में यहाँ पे 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b हो जाएगा, और यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ पे आ जाएगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंट्रीज। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगी, सेकेंड कॉलम में 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b और यहाँ पे 1/a प्लस और यहाँ पे 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a और थर्ड कॉलम एज इट इज 1/a प्लस 1/b 1/b प्लस 1/c 1/c प्लस 1/a। और अब जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b इन तीनों कॉलम्स में एंट्री, ये एंट्री कॉमन है। यहाँ आप इसको थोड़ा सा आगे फर्दर जो स्टेप को यहाँ पे लिख सकते हो साफ सा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप इनको जब रीअरेंज कर सकते हो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/a 1/b प्लस 1/c 1/a 1/b एंड 1/c और यहाँ पे 1/a प्लस 1/b एंड हेयर दिस एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली जो सेकेंड कॉलम है उसमें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिस एलिमेंट इज कॉमन, सो हम इस एलिमेंट को भी बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप भी कॉमन, यहाँ पे जो ए बी सी है वो कॉमन लेना है ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिखा हुआ है इसको ए बी सी बाहर, तो इस केस में हम जो सेकेंड कॉलम है उसमें से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c उसको हम कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा। जब कॉमन लिखेंगे देन वी विल गेट हेयर ए बी सी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट, और साथ में जब ये एलिमेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि पूरी कॉलम में ये एलिमेंट सेम है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ पे बचेगा 1 1 1, यहाँ पे तो है ही फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में वी विल गेट 1 1 1 और यहाँ पे 1/a प्लस 1/b एंड 1/c प्लस 1/a, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में टेकिंग 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन फ्रॉम कॉलम टू, कॉलम टू से हमने इसको कॉमन लिया है, जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा था ये टेकिंग, जब यहाँ पे ए बी सी कॉमन लिया था वैसे ही आपने यहाँ पे रीज़न बता देना है साथ के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कि जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट कॉलम में भी 1 1 1 है, सेकंड कॉलम में भी 1 1 1 है, और हमें पता है कि जब किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और
जब किसी भी रो या कॉलम्स में जब एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स के, तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस केस में क्योंकि ये दो कॉलम्स हैं जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, सो इन दिस केस वी गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो 3x3 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ए बी सी 1/A 1/B प्लस 1/C इंटू ज़ीरो। ये ज़ीरो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि क्यों आया है, यहाँ पे आप लिख दोगे बिकॉज C1 एंड C2 जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो ये ज़ीरो आ गया। और ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो होगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो दिस इज़ दी आंसर इन दिस केस। तो इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है, ये जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, ये डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट कितना है, वो ज़ीरो है। एक बार फिर देख लीजिए हमने कैसे किया क्वेश्चन, हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे सी बाई सी लिखा ए बी सी, और यहाँ पे बी सी के साथ ए बाई ए लिख दिया, यहाँ पे सी ए था बी बाई बी लिख दिया। इसका पर्पज़ क्या था, पर्पज़ ये था कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ए बी सी कॉमन आ गया था, उस एलिमेंट को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, क्योंकि सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम थे यहाँ पे, उसमें न्यूमरेटर जो था वो सेम था, तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम द कॉलम टू। और उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम इन दोनों कॉलम्स को, जो कॉलम टू और कॉलम थ्री, इनको अगर कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट द सेम एलिमेंट, क्योंकि ये चाहे आप जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया है कॉलम टू पे लगाया है, आप यहाँ पे कॉलम टू की बजाय कॉलम थ्री पे भी ऑपरेशन लगा सकते थे, वहाँ पे आप तो आपने ये लिखना था तब, अगर इसकी बजाय आप ये ऑपरेशन भी लगा सकते हो कॉलम थ्री पे, ऑपरेशन कौन सा, कॉलम थ्री प्लस कॉलम टू, तो एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी सभी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, यहाँ पे यही एंट्री रहेगी, तो इस चीज़ को आपने समझना है। और फिर ये एलिमेंट जो है सेकेंड कॉलम में वो सेम आ गया, सेम है इसलिए वो कॉमन आ गया बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, दैट इज़ वाई जो इसका डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो होगा, सो फाइनल आंसर इज़ ज़ीरो। तो इस तरीके से हमने बिना इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए हमने इसको सॉल्व कर दिया है बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।